सो गुड आफ्टरनून एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू यू आई एस सो आज के जो टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका स्पेशल इशू पब्लिश होता है आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट तो एक बार कमेंट सेक्शन में जस्ट लेटेस्ट नो वॉइस आपकी क्लियर आ रही है सो so, uh, जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स हैं दैट इज ले रॉट टू डाइवर्ट लाइट threatened Madagascar biodiversity what led to unusually low temperature at uh, OT uh, finger finger post ये ज्योग्राफी का बहुत important टॉपिक है Roman concrete India's plan to eradicate measles and rubella तो देखो ये टॉपिक है साइंस का टॉपिक है दूसरा ये टॉपिक है अगर आप देखोगे तो this can also be included under science ठीक है तो यहाँ पे ये जो साइंस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है तो उस पर प्रश्न आपका जीएस पेपर थ्री के अंदर मेंस में भी है फिर ये भी है ये साइंस का टॉपिक है ये आपका एनवायरमेंट का टॉपिक है दिस इज रिलेटेड विथ जोग्राफी रोमन कॉन्क्रीट ये साइंस का टॉपिक आप मान लो इसको इंडिया प्लान टू रेडिकेट मिसल्स इसको हम हेल्थ से लिंक कर सकते हैं तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एक एक करके हम लोग जो टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एक बार जस्ट लेट मी नो वॉइस आपकी क्लियर uh, है एंड आई होप यू ऑल आर अवेयर की जो संडे का सेशन है उसमें थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल रहता है बाकी आपका मंडे टू सैटरडे का सेशन है साढ़े आठ नौ बजे के बीच में हो जाता है ठीक है तो आ, आ, ये सारी चीजें हैं तो ये आप लोग देख सकते हो दीज आर द टॉपिक्स जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वी आर गोइंग तो टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे अन अकेडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं जैसे अभी आप सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जैसे अन में जाओ यूपीएससी पी एस सी करो एस कोड इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और जैसे अभी ये एन से रिलेटेड कोर्स है इसके अलावा आपका बैच कोर्स है ठीक है फिलिम्स 2024 के लिए इंग्लिश में बैच कोर्स है तो ये सारे कोर्सेस हैं आप इनको एक्सेस कर सकते हैं और जो इतने भी ये है कोर्सेस हैं तो यहाँ पे हिंदू का माइंड मैप अगर देखोगे तो ये जैसे आप करंट अफेयर्स में जुड़ते हैं तो इसके अलावा आपको एम हैं अलग अलग दैट विल बी देयर कई सारी चीज़ें हैं जो आप अवेल कर सकते हैं जैसे और जब ज्वाइन करेंगे तो सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं तो ये अपनी प्रिपरेशन की मोमेंटम मेंटेन दैट इज इंपॉर्टेंट लेट्स डिस्कस लास्ट इंटरव्यू ऑफ जॉर्ज रीडिस्कवर्ड ठीक है सो यहाँ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस पहला देखो ये है तो यहाँ पे ये जॉर्ज लेमेटेर है इनके बारे में हमको जानना है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट वी शुड नो क्योंकि देखो जो साइंटिस्ट है साइंटिस्ट की बात करें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है तो उसके बारे में प्रश्न आपका पूछा जा सकता है पूछा भी गया है ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया है सो so, एक बार जल्दी से बता दो आवाज आ रही है सभी को एवरी वन वॉइस इज क्लियर ठीक है तो ये देखते हैं यहां पे देखो जॉर्ज लेर की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंड ही टॉक्ड अबाउट अ सुपर एटम मतलब सुपर एटम एंड ही आल्सो डिराइव द हबल्स लॉ ठीक है हबल्स लॉ तो ये टर्म याद रखना है दैट इज सुपर ऐटम वो एटम जिसके आप कह सकते ये जो इनिशियल स्टेज में था ये सुपर एटम इसके बाद एक्सप्लोशन हुआ और उसके बाद फिर आपका यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ और जैसे आज के समय में हम एक थ्योरी पढ़ते हैं दैट वी कॉल इट एज बिग बैंग थ्योरी ठीक है वी कॉल इट एज बिग बैंग थ्योरी तो उस बिग बैंग थ्योरी इज क्या है दैट इज रिलेटेड विद द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स ये it is linked with the expansion of the universe. ये क्या क्या कहता है 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 कि जो जो हमारा आज भी क्या कर रहा और इस जो लॉ बिग बैंग थ्योरी इसके पीछे एक जो लॉ इसके आगे आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे सो so, जो मॉडर्न डे की बिग बैंग थ्योरी है उनमें इनका रोल है इनके द्वारा जो व्यू पॉइंट रखे गए वो बेसिकली जो व्यू पॉइंट है वो व्यू पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल है टू तो डिराइव द बिग बैंग थ्योरी ही आल्सो टॉक अबाउट सुपर एटम जिसके में एक्सप्लोजन होके फिर यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है और प्रेजेंट स्टेट में हम रीच किए तो यहां पे देखो हबल लॉ या फिर हबल लॉ जो है यहां पे क्या इसमें कहा हाईलाइट किया गया हबल लॉ क्या कहता है जो गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ एट ए स्पीड प्रपोशन टू देयर डिस्टेंस तो यहाँ पे जैसे मान लो ये अर्थ है अर्थ से जितनी भी मान लो ये गैलेक्सी जी वन है ये गैलेक्सी जी टू है ये गैलेक्सी जी थ्री है ये गैलेक्सी जी फोर है आई होप आप लोग को पता है गैलेक्सी क्या होती है दीज आर द डिफरेंट गैलेक्सीज एंड दीज ये अर्थ है आपकी दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द अर्थ एंड इनकी स्पीड कैसे वेरी होती है जैसे इसकी स्पीड इसकी स्पीड एस टू है इसकी स्पीड एस थ्री है इसकी स्पीड एस फोर मतलब सब कॉन्स्टेंट स्पीड में मूव नहीं कर रही दे आर मूविंग डिपेंडिंग अपॉन कितना आ, आपका डिस्टेंस है ज्यादा डिस्टेंस है तो स्पीड ज्यादा होगी कम डिस्टेंस है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल डिस्टेंस आपकी कम होगी तो ये जो लॉ है इसको हम हबल लॉ भी कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हबल लॉ लॉ या हबल भी इसे आ, कहते हैं सो so, जितना दूर होंगे उतना तेजी से वो दे विल मूव अवे फ्रॉम द अर्थ ये चीज आपको ध्यान में रखना है दूसरा जो विलोसिटी है गैलेक्सीज का ये डिटरमाइन किया गया बाय द रेड शिफ्ट ठीक है रेड शिफ्ट ये शब्द अभी आगे डिस्कस करेंगे रेड शिफ्ट दो टर्म यूज होते हैं एक रेड शिफ्ट होता है दूसरा होता है blue shift. Blue shift. तो यहां पे red shift और ब्लू शिफ्ट दो शब्द आपको याद रखना है कि सपोज करो कि जैसे कोई भी है जैसे मान लो ये अर्थ है और ये गैलेक्सी है तो ये क्या कहता है कि ये अर्थ है अर्थ से अलग अलग जो आर मूविंग अवे ठीक है जो गैलेक्सीज हैं दे आर मूविंग अवे जैसे गैलेक्सी जी वन जी टू जी थ्री मान लो बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज है एंड जितनी दूर होंगी उतने तेजी स्पीड से दे आर मूविंग अवे ये पॉइंट आपको दिए हबल लॉ हबल लॉ हम इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड इसल्ट अब इसकी विलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए जो विलोसिटी है कि एट वॉट स्पीड दिस गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ इसके लिए आपके पास जो टर्म है दैट वी कॉल इट एज जो एक फेनोमेना है दैट वी शुड नो इज द रेड शिफ्ट और वी ऑल्सो इट एज अ ब्लू शिफ्ट वन वी कॉल इट एज अ रेड शिफ्ट द अर वी कॉल इट एज अ ब्लू शिफ्ट सो वट इज द बेसिक डिफरेंट बिटवीन द रेड शिफ्ट एंड द ब्लू शिफ्ट दोनों के बीच का अंतर क्या है तो यहां पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसके लिए आपको क्या जाना है जैसे मान लो कलर है कलर मान लो जैसे वॉयलेट है पर्पल है इंडिगो है कोई भी ऐसा कलर ले लो ब्लू है रेड है ग्रीन है तो ये जो कलर्स होते हैं इन कलर्स में इन कलर्स की जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब हम बात करते हैं तो इनका डिफरेंट वेवलेंथ होती है और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है ये चीज बेसिक आपने पढ़ी होगी है ना कि जो ये कलर्स हैं जो हमें विजिबल होते हैं कि ये रेड है या ब्लू है तो जो सर्टेन कलर्स हैं दे हैव एक वेवलेंथ होती है और एक आपकी इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी होती है सो डिपेंडिंग अपॉन दैट सपोज एट सर्टेन क्योंकि इनके बीच का रिलेशन है तो यहाँ पे आप ये समझो कि अगर इफ जैसे जैसे जोटी है इफ देर इज चेंज इन दिलोसिटी ये विलोसिटी पे चेंज होगा तो जो विजिबिलिटी पार्ट होगा जो विजिबिलिटी आस्पेक्ट होगा लाइक like, जो रेड है ब्लू है दैट विल बी विजिबल तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिटरमाइन की अच्छा जो विजिबिलिटी पार्ट है दैट इज अ रेड जो विजिबिलिटी है दैट इज इन रेड द विजिबिलिटीज इन ब्लू डिपेंडिंग अपॉन दट वी विल से अच्छा रेड है इसका मतलब इसके बेसिस में हमें जानकारी मिली कि ठीक है यह अर्थ है और इस अर्थ से दूर जो गैलेक्सीज हैं दे आर मूविंग एंड क्या स्पीड होगी उसके लिए जो है रेड शिफ्ट फेनोमेना आपको याद रखना सो वट बेसिकली रेड शिफ्ट आपको ध्यान में रखना दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बिग बैग थ्योरी क्या हाईलाइट करती है बिग बैग थ्योरी इज ऑल्सो रिलेटेड विथ कि किस तरीके से जो हमारा जो है वी कैन से कि जो हमारा uh, आ, अर्थ है वो किस प्रकार से जो है वो इन वो अर्थ है किस प्रकार से एक्सपेंड कर रही है तो रेड शिफ्ट में क्या होगा अगर सपोज करो वेवलेंथ इंक्रीज होगी और जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और उस बेसिस पर हम वेलोसिटी का भी जान सकते हैं तो यहां पे क्या है कि ये जो विजिबिलिटी एस्पेक्ट है कि वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हुई फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई या फिर वेवलेंथ डिक्रीज हुई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो यहां पे जो शिफ्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लू शिफ्ट और यहां पे जो शिफ्ट होगा इट इज कॉल्ड एज अ रेड शिफ्ट कोई चीज है कोई भी चीज है तो अब जैसा बहुत तेजी से जा रही है अर्थ है अर्थ से बहुत तेजी से दूर कोई चीज जा रही है तो डिपेंडिंग ऑन दैट की वेवलेंथ क्या है फ्रिकवेंसी क्या है उसका विजिबिलिटी पार्ट क्या होगा दैट विल बी रेड ठीक है जो जो भी है विजिबिलिटी पार्ट इट विल शिफ्ट टू रेड और अगर वेवलेंथ डिक्रीज हुई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई विजिबिलिटी पार्ट विल शिफ्ट टू ब्लू तो ये जो है इसके बेसिस पे वी कैन कम टू नो अच्छा रेड शिफ्ट है इट मींस ये हाईलाइट uh, कर रहा है कि क्योंकि वेवलेंथ बदल रही है फ्रीक्वेंसी बदल रही है रेड विजिबिलिटी एस्पेक्ट हो रहा है इट मीन्स uh, जो है एक्सपेंशन uh, हो रहा है एक डिफरेंट सेट ऑफ वेलोसिटी से जो गैलेक्सीज ये मूव कर रही हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है दिस इज लिंक्ड विद द हबल लॉ एंड बिग बैंग थ्योरी एंड इट इज ऑल्सो द कंट्रीब्यूशन बाय द साइंटिस्ट तो कोई भी जो एस्ट्रोनॉमी की हम बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्या कॉजेज होते हैं रेड शिफ्ट के क्या क्या कॉजेज है यहां पे क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है तो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट है ना दोनों मूव कर रहे हैं मूव करेंगे वेलोसिटी में चेंज होगा वेवलेंथ में चेंज होगा फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा रेडिएशन जो आप कह सकते हैं ट्रैवल टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट ठीक है तो ऑब्जेक्ट की तरफ अगर मूव कर रहे तो यहां पे भी देयर विल बी वी कैन से कि वहां भी आपको रेड शिफ्ट देखने को मिलेगा एंड फिर जो रेडिएशन हैं दे आर ट्रेवलिंग थ्रू एक्सपेंडिंग स्पेस अब यहां पे देखो रेडिएशन शब्द का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारे डिफरेंट कलर होते हैं जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं और उसमें एक जो कलर जैसे रेड भी होता है और ब्लू भी होता है वॉयलेट uh, भी होता है अलग अलग डिफरेंट कलर और इनका अपना अपना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है डिपेंडिंग अपॉन दीज रेडिएशन रेडिएशन के बेसिस में जो विजिबिलिटी अगर रेडिएशन है हमको पता है इस तरीके की है तो मतलब यह तो तीनों जो पॉइंट है uh, uh, सोर्स ऑब्जेक्ट दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ आर कमिंग क्लोजर टू द अर्थ उसमें उस जो एक फैक्टर है दैट वी कॉल इट एज अट कॉल इट एजल लॉ ठीक है और इसी बेसिस पर आप हबल टेलीस्कोप भी है जेम्स वेब टेलीस्कोप भी है आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट तो ये ध्यान में रखना नेक्स्ट देखते जींस टू ग्रो टू अ अट साइज आइडेंटिफाइड अब देखो ये क्या है ये बस जानकारी के लिए है इसमें मेंस का को कोई प्रश्न नहीं बनेगा बट जीन्स के रोल के बारे में तो आपको याद रखना है कि यहां पे प्रिलिम्स का क्या टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है तो यहाँ पे देखो ये जी एच एस आर आई जी बी बी पी सेवन एन सी ए पी जी एन सी ए पी जी पी एल ए जी वन ठीक है तो दीज आर वॉट ये जो है अलग अलग दे आर जीन्स 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 ये क्या है दे आर एंड जब हम आप इन जीन्स की बात करते हो तो ये जो जीन्स हैं आपकी दीज जीन्स बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिगर साइज बिगर साइज ऑफ वेल तो वेल की साइज बड़ी क्यों है उसके पीछे जो रीजन है द रीजन इज दीज जीन्स दीज जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल रीजन्स अगर अगर हम बात करते हैं तो ये जो जींस है पावरफुल लेजर इन द स्काई हेल्प लाइटिंग स्का यहाँ पे देखो आप ये याद रखना एक रॉड होती है फ्रैंकलिन रॉड फ्रैंकलिन रॉड ये साइंस का टॉपिक है अब जैसे जो लाइट लाइटनिंग लाइटनिंग होती है जो आसमान में जो बिजली चमकती है तो आसमान में जब बिजली आपकी चमकेगी ठीक है तो बिजली जब चमकेगी तो उसके पीछे जैसे पार्ट कई पार्टिकल्स हैं मॉइस्चर्स हैं उनका एक रोल होता है लाइटनिंग के लिए और है ना कई चार्ज पार्टिकल्स हैं किसी भी चीज पर अगर ये स्ट्राइक करते हैं तो बहुत हाई लेवल ऑफ वोल्टेज का करंट आपका लग सकता है तो कई तरीके होते हैं कि जिस बेसिस पे जो लाइटनिंग है इसको डाइवर्ट किया जाए इसके डायरेक्शन को चेंज किया जाए उसके लिए एक रॉड इस्तेमाल होती है उसे बोलते हैं फ्रैंकलिन रॉड ठीक है फ्रैंकलिन रॉड का इस्तेमाल होता है जिससे कि जो लाइटनिंग आ रही है उसको डाइवर्ट किया जा सकता है मान लो इधर डायरेक्शन आ रहा है इट कैन बी डाइवर्टेड दिस साइड इसी प्रकार से एक रॉड डेवलप की गई है लेजर रॉड ठीक है लेजर रॉड जो है इट इज मूवेबल इट बेस्ड ऑन दैट कोई भी जो लाइटनिंग है इस लेजर जो ये लेजर रॉड है इस इसमें ये जो लेजर लाइट्स आएंगी इससे जो ये लाइटनिंग है इनको डाइवर्ट किधर किसी दूसरे डायरेक्शन में किया जा सकता है अब हो सकता है कि इससे फिर न, कुछ और भी इसको वेपनाइजेशन भी किया जा सके बट हाँ यहाँ पे क्या है कि फ्रैंकलिन रॉड जो आप यूज करते हो पहले वो एक जगह पे फिक्स है ये है ठीक है और ये जो लेजर रॉड है इट इज मूवेबल सो बाय यूजिंग इट इट इज़ पॉसिबल कि जो लाइटनिंग है जो लाइट light, लाइटनिंग होती है बारिश के टाइम पे तो आ, उसको डायरेक्ट किया जा सकता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि जिससे कि जो डैमेज है या डिजास्टर है वो कॉज ना हो क्योंकि आज के समय में अगर आप देखोगे क्लाइमेट चेंज जो हुआ है आ, ये स्टडी हमने पहले भी डिस्कस की है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो लाइटनिंग है देखो लाइटनिंग जो होती है उसके लिए मॉइस्चर की भी जरूरत होती है पार्टिकल्स मॉइस्चर्स चार्ज पार्टिकल्स ये सब की जरूरत होती है तो बिकॉज ऑफ द अवेलेबल कंडीशन जो कंडीशन आपको लाइटनिंग के लिए चाहिए थे पहले मान लो इंडिया की बात कर तो प्लेन एरिया में अवेलेबल थी एंड बिकॉज ऑफ द चेंजेस जो कंटिन्यूस बेसिस में जो टम्परेचर है वो कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज हुआ है जो टेम्परेचर आपका कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दैट जो ये लाइटनिंग की फ्रीकवेंसी है हिमालयन या फिर हिली एरियाज में इंक्रीज हो रहा है क्यों क्योंकि टम्परेचर बढ़ रहा है जो कंडीशन लाइटनिंग के लिए जरूरी है दैट आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिली रीजन इसलिए जो लाइटनिंग की फ्रिक्वेंसी है हिली रीजन में भी बढ़ रही तो अगर इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी तो ऐसी जगह में भी लाइटनिंग स्टार्ट हो सकती है जहां पहले नहीं थी तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइटनिंग से बचने के लिए जो जरूरत है वो जो भी है जो आपको बनाना होता है जो भी सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है तो वो फिर आपको आप करोगे ही नहीं यू विल नॉट डू दैट तो वहां पे क्या है ये इस प्रकार के जो आपके स्टेप्स हैं वो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं दे दे विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन द सेंस जैसे जो लेजर है ये मूवेबल एक रॉड होगी उसे लेजर के माध्यम से लाइटनिंग को पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट किया जा सकता है ये आपकी स्टडी हुई है इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ठीक है तो वो आप लोग देख लेना सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आप यू चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो एक आप देखना जोग्राफी विथ एक्सपेरिमेंट मैंने एक सीरीज आपके लिए एक वीडियो बनाया है वीडियो सेक्शन में देखना उस पर आई वेंट समवेयर और वहां से मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके आपको एक्सप्लेन किया है जोशीमठ डिजास्टर उसको एक बार देख लो कहीं भूलोगे नहीं जो जो सात मिनट का है जोशीमठ एक्सप्लेन इन ग्रेट डिटेल ठीक है मतलब किस तरीके से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है पत्थर है बहुत सारी चीजें हैं यू विल एंजॉय ठीक है थोड़ा आपका मन भी अच्छा रहेगा नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंशन में थ्रेटन मेडागास्कर्स मैडागायोडाइवर्सिटी तो यहाँ पे पहले तो आपको याद रखना मेडागास्कर मैडागास्कर कहाँ लोकेटेड है ये आपका अफ्रीका है ये आपको मेडागास्कर इधर इंडियन ओशन रीजन है एंड बहुत सारी स्पीसीज हैं एक्सटेंशन फेस कर रहे बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इन्फ्लुएंस अब देखो इसमें कहा गया कि जो अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस जब से स्टार्ट हुआ अगर उससे पहले की स्टेज में अगर हमें बायोडाइवर्सिटी मेडागास्कर की लेकर जाना है बहुत समय लगेगा ठीक है तो देखो ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल जब आप ये हाईलाइट करना चाह रहे हो कि आ, इफ़ यू लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू हाईलाइट कि किस तरीके से जो टेम्परेचर किस तरीके से ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो आप इग्जाम्पल मैडागास्कर का जैसे साइड में मैप बना दिया मैप में एक्सप्लेन कर दिया बायोडाइवर्सिटी में जीएस पेपर थ्री या जीएस पेपर वन जॉब के अंदर प्रश्न नाम लिए फ्रेम हो सकता है तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में इसको कोट कर सकते हो ऐसा कोई पूछेगा तो नहीं कि मैडागास्कर में क्या चल रहा है बट ये हमको पता होना चाहिए तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे एफर्ट्स लाने की जरूरत है हम Uh, जो स्पीसीज वहाँ डिफरेंट स्पीसीज है उनको हम वी कैन प्रोटेक्ट देम जैसे ये एक आपकी है जो आप इमेज देख रहे हो तो इसको भी हमें प्रोटेक्ट करना जैसा रिंग टेल्ड लेमूर भी बोलते हैं इनके भी नंबर बहुत तेजी से रिड्यूस uh, हो रहे थे तो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कैमलियन है मतलब इट ऑल्सो आई थिंक चेंजेस कलर अपना कलर भी है तो बहुत सारे ऐसे यूनिक स्पीसीज हैं जो शायद अभी हमने देखा ही नहीं होगा तो अब पहले के टाइम पे लोगों ने देखा होगा अभी ये ना? देखो तो ये इसके नंबर्स भी तेजी से आपके रिड्यूस हो रहा तो हमें एक एफर्ट मारने की जरूरत है मतलब एफर्ट लेने की जरूरत है व्हाट लेड टू अनयूजुअली लो टेम्परेचर एट ऊटी फिंगर पोस्ट अब देखो ये होता है ज्योग्राफी के प्रश्न जो आपके लिए फ्रेम होते हैं ठीक है जो ये रिसर्च आती रहती है ना इन पे बिल्कुल प्रश्न आपके लिए फ्रेम होते हैं अब वो क्वेश्चन जब आप देखोगे ना तो आपको बहुत ही स्टेटिक लगेगा लेकिन उसमें जब आप कंटेंट ही लिखोगे तो वो आपको अवेलेबल नहीं होगा अगर मिलेगा भी तो स्टैटिक लेवल पे बहुत ही मिनिमम कंटेंट आपको मिलेगा ठीक है तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान समझना क्या प्रश्न है इसमें इस ज्योग्राफी का टॉपिक है और प्रश्न क्या है प्रश्न यह है कि, कि किस तरीके से मतलब प्रश्न यह है कि जो ऊटी है ऊटी में ऊटी आई थिंक साउथ इंडिया में जो लोकेटेड है उसमें अनयूजुअल लो टेम्परेचर क्यों हुआ है लो टेम्परेचर तो होगा हिल स्टेशन ही है लेकिन अनयूजुअल लो टेम्परेचर क्यों हुआ है इस टाइम के दौरान तो उसके पीछे रिसर्च सामने आई है अब इसमें आपका बिल्कुल प्रश्न आ जाएगा क्योंकि लानीना इवेंट जो है लानीना इवेंट से यह लिंक्ड भी है तो बिल्कुल बढ़िया हाँ प्रश्न आपके लिए इसमें फ्रेम आपका हो सकता है ठीक है सेशन को आप लोग जल्दी से शेयर भी किया करो ठीक है सेशन शेयर करो चैनल को भी थोड़ा शेयर करो ये सब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है इतना तो छोटा सा जिम्मेदारी जरूर से निभानी चाहिए है ना तो यहां पे देखो ला नीना को आपको समझना है, तो ला नीना इवेंट देखो कहां पे होता है ला नीना ला नीना इवेंट या एल नीनो इवेंट आप लोगों ने सुना होगा एल नीनो तो अभी ला नीना के बारे में डिस्कस करेंगे देखो यहां पर साउथ अमेरिका है ना ये साउथ अमेरिका यहां पे यू हैव अ करेंट वी क्वालिटी पेरू या फिर हमबोल्ड करंट हम बोलते हैं ठीक है पेरू करंट बोलते हैं या फिर हमबोल्ड करंट बोलते हैं तो ये क्या है इट्स अ कोल्ड करंट ये क्या है इट्स अ कोल्ड करंट ये आपका कोल्ड करंट है फिर आपका ये ऑस्ट्रेलिया हो गया तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे क्या है कि जो ट्रेड विंड्स हैं ये गर्म जो पानी है ये गर्म पानी को इधर लेकर जाती है कंटिन्यूस बेसिस में जो गर्म पानी है वो इधर जाता है बेसिस में गर्म पानी जो है इधर जाता है गर्म पानी इधर जाएगा पानी इधर गर्म होगा इधर लो प्रेशर क्रिएट होगा हवा इधर उपर जाएगी सब चीजें आपने पढ़ी होंगी इधर हवा जो है वो सेटल करेंगी ठीक है तो ला नीना का जो समय होता है वो हमारे मानसून के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है ठीक है और अभी पहली बार ट्रिपल ला नीना इवेंट भी देखने को मिल रहा है ट्रिपल ला नीना इवेंट जो है वो देखने को मिल रहा है ये पैसिफिक क्वेश्चन आपको पता होगा आई थिंक सभी को ट्रिपल ला नीना इवेंट हम देख रहे हैं ट्रिपल लानीना इवेंट का मतलब हुआ कि कंटिन्यूस तीन साल से लानीना इवेंट हो रहा है तो इस साल से लानीना इवेंट की वजह से यह हमारे मानसून के लिए भी काफी हेल्पफुल है दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द मानसून कहा गया है कि क्योंकि ट्रिपल लानीना इवेंट हो रहा है मानसून के लिए भी काफी हेल्पफुल है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर एक फैक्टर ये भी है कि जो ये जो समय है इस समय भी रेनफॉल आपकी हो रही है और ये जो रेनफॉल हो रही है इससे भी टेम्परेचर आपका लो हो रहा है एक फैक्टर ये चीज आपकी बताई गई है तो जो डेवलपमेंट यहां हो रहा है वो हमारे यहां पे जो ऊटी यहां लोकेटेड है इसको अफेक्ट कर रहा है ठीक है इट इज बीइंग अफेक्टेड बाय बिकॉज ऑफ द रेनफॉल रेनफॉल क्यों बिकॉज ऑफ द ट्रिपल इन इवेंट जो कि मॉनसून के लिए काफी फा, फायदेमंद होती है एलिनो इसका अपोजिट होता है ठीक है तो एलिनो में क्या होगा एल नीनो में जनरली ये पूरा साइकिल रिवर्स हो जाती है रिवर्स होकर मतलब इधर बारिश होगी ठीक है कमेंट सेक्शन बताओ इधर कौन सा डेजर्ट लोकेटेड है ठीक है कमेंट सेक्शन में लेटेस्ट नो तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपकी एल नीनो में इधर बारिश होगी ला नीना की अगर बात करोगे तो ला नीना में जो बारिश आपकी होगी वो ला नीना में इधर साइड बारिश ज्यादा होगी ये हमारे मानसून के लिए हेल्पफुल है तो एक तो ये फैक्टर जो है वो आपका एक्सप्लेन जो है इसके अंदर किया गया है तो यहाँ पे कहा गया कि जो वार्म वाटर है सी सरफेस अवे फ्रॉम द साउथ अमेरिका मेनलैंड

ट्रिपल लानिना इवेंट और बिकॉज ऑफ दिस ट्रिपल लानीना इवेंट जो ये कोल्डनेस है वो फर्दर साउथ तक एक्सटेंड कर रही है ठीक है तो यहां जो ट्रिपल लानीना इवेंट है ट्रिपल लानीना इवेंट से जो कोल्डनेस है वो फर्दर साउथ की तरफ जो है वो आपकी एक्सटेंड कर रही है तो आपको बस याद रखना है कि इसके लिए लानीना जो ट्रिपल लानीना इवेंट है दैट इज रेस्पॉन्सिबल ट्रिपल लानीना जो इवेंट है दैट ट्रिपल लानीना इज ट्रिपल लानीना इवेंट इज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट

जेट स्ट्रीम तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ कि uh, जैसे फॉर एग्जाम्पल uh, जैसे जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं यू टॉक अबाउट द जेट जेट स्ट्रीम स्ट्रीम क्या है दीज आर पार्ट ऑफ ये क्या है दे आर पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ अपर ये क्या है पार्ट ऑफ अपर एटमोसफेयर ठीक है अपर एटमोसफेरिक सर्कुलेशन का ये हिस्सा है दे आर पार्ट ऑफ अपर एटमोसफेरिक सर्कुलेशन ठीक है जेट स्ट्रीम दे आर पार्ट ऑफ अपर एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन अपर एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन का ये आपका हिस्सा है सर्कुलेशन ये अपर एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन का हिस्सा है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जेट स्ट्रीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो इधर से ईस्टर्नली जेट जेट स्ट्रीम आती है वो हमारे मानसून के लिए बहुत हेल्पफुल है तो यहां पर क्या है दीज वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम जैसे फॉर एग्जाम्पल Uh, यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जो ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम और नॉर्थ ईस्ट जो ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम मतलब जो वेस्टर्न साइड से जेट स्ट्रीम आपकी आ रही है लाइक फॉर एग्जाम्पल जो आपके जैसे फॉर uh, यहाँ पे आप मैप के थ्रू यहां पे देखो ठीक है सपोज ये यह है यहां से तो ये जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स जो आ रही हैं तो दे आर दे आर शिफ्ट दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द टूवर्ड्स पार्ट और इधर से भी हाईलाइट क्या किया गया यहां से जो साइबेरियन रही हैं दिस साइबेरियन आल्सो ये लो तो जो जो टेम्परेचर है उसके लिए ही आपका जो आ, आपका रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है तो यहां पे देखो क्या क्या फैक्टर है? पहला याद रखो एक लानीना इवेंट है ठीक है तो एक फैक्टर बोला गया जो आ, आ, ट्रिपल ट्रिपल लानीना इवेंट है एक फैक्टर ये लिखो दूसरा जो वेस्टर्नली जेट है वेस्ट जो जेट है उसका शिफ्ट होना किधर सदन हिस्से में सदन साइड में वेस्टर्नली जेट का शिफ्ट होना सदन साइड में तीसरा आपका जो ये साइबेरियन विंड्स है दे आर ऑल्सो शिफ्टेड टूवर्ड साइबेरियन जो विंड ऑल्सो दे आर मूविंग सदन साइड ठीक है तो दीज आर द फैक्टर्स मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लो तो टेम्परेचर ये आप याद रखें कहीं भी स्टेटिंग में आपको नहीं मिलने वाला है ठीक है क्यूटी में क्यों टेम्परेचर ये है वो है तो ये आपको ध्यान में रखना है ये अभी रिसर्च पब्लिश हुई है तो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट और इसमें ऐसे ही एरियाज में जो रिसर्च आती रहती है यहीं से आपकी जोग्राफी के बढ़िया बढ़िया प्रश्न जो है में में या मेंस में फ्रेम हो रहे हैं आज के टाइम पे ठीक है ये आपको ध्यान में रखना अब देखो अः यहाँ तक हो गया आ, तो फिर क्या है यहाँ पे हाईवे ऑफ द चिल विंड कमिंग साउथवर्ड फ्रॉम द साइबेरियन साइबेरियन हाई से भी ये जो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो ये साइबेरियन हाई से भी जो विंड्स हैं दे आर मूविंग टूवर्ड्स टूवर्ड द सदर्न साइड ये आपका मूव करें जो हाई प्रेसर ब्लॉक है दैट इज ऑकुपाइंग द सेंट्रल एशियन रीजन एंड अफेक्टिंग द विंड कमिंग इन टू द इंडिया तो ये हाई प्रेशर जो क्रिएटेड है दट इज ऑल्सो देयर सो साइबेरिया हाई इज रेस्पॉसिबल फॉर द विटर कोल्ड ऑफ द टुंड्रा एंड हैज बी नोन टू अफेट द वेर ऑफ द इटली फिलीपीन्स एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट इज एनोली स्ट्रॉग इट इज हार्डर टू सिमुलेट और प्रिडिक्ट हाइपर लोकल कंडीशन बट बाय एंड लार्ज लाल इन विंटर प्लस अवेरी स्ट्रॉंग साइबेरियन हाईकॉफर टू क्रिएट अ कोल्डर देन नॉर्मल विंटर इन द साउथ इंडिया तो यहां पे बस आपको ये ध्यान में रखना पहला पॉइंट जो मैंने आपको लान बताया दूसरा पॉइंट आपको याद रखना दैट इज साइबेरियन हाई साइबेरियन हाई ठीक है हाई मतलब यहाँ के हाई प्रेशर विंड जो होती है वो हमेशा मूव करती है जैसे जो साइबेरियन हाई है ये बहुत लो टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल देखो एक चीज आपने बेसिक ज्योग्राफी में देखो आपने सभी ने पढ़ा है कि जो अगर टेम्परेचर हाई होगा अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा लो होगा ठीक है प्रेशर विल बी लो वायर का प्रेशर विल भी लो क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो हवा है गर्म हवा वो ऊपर की तरफ जाती है ठीक है हाई टेम्परेचर में जो हवाएं हैं वो आपकी ऊपर की तरफ जाती हैं और जब टेम्परेचर बहुत लो होगा तो हवाएं सेटल करती हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सबेरियन हाई क्रिएट हुआ है इट मीन्स वॉट लो टेम्परेचर लो है और ट्रा रीजन सेंट्रल एशियन रीजन में जो ये साइबेरियन हाई प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो टेम्परेचर एंड अब आपके मन में आएंगे यार सेंट्रल एशिया इतना दूर इंडिया इतना दूर कैसे आएंगे देखो आसमान कनेक्टेड है आप इस चीज को समझो ठीक है तो जो विंड सर्कुलेशन क्रिएट होता है वहां से जो ठंडी हवाएं ऑल दो जो हमारा हिमालयन रीजन है वो हमें बचाता है बट जो ये अपर एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन में भी क्रिएट हो रहा है जो भी हो रहा है तो ये जो साइबेरियन हाई है एंड ट्रिपल लान इवेंट प्लस वेस्टर्ली जेट जो कि सदर्न साइड की तरफ शिफ्ट हो रहे दीज आर थ्री फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर द लो टेम्परेचर इन द साउथ इंडिया ये आपको याद रखना लो टेम्परेचर इन द साउथ इंडिया के लिए ये सारे फैक्टर्स आपके रेस्पॉन्सिबल uh, हो जाते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना नेक्स्ट देखते हैं रोमन कॉन्क्रीट यहां पर जो प्रश्न आपका प्रिलिम्स का इट कैन बी फ्रेम क्वेश्चन जो है दैट कैन बी फ्रेम इन प्रलिम्स Uh, के अंदर जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है एक बार कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट मी नो वॉइस आपकी क्लियर है एवरीवन और अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन आप लोग जरूर से प्रेस करें है ना और सेशन शेयर भी करें ये भी आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पे देखो रोमन कॉन्क्रीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप जैसे रोमन कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है जैसे ये क्या है कि रोमन जो रोमन एम्पायर आप मानो कि वहां पर जो पोर्ट्स मैसिव बिल्डिंग्स पहले के टाइम पे बनी थी आज भी वो चल रही है ठीक है तो मतलब लगातार इस पर स्टडी हो रही है कि ऐसा इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है कि आज भी जो है वो चल रही है उस पर कोई दिक्कत नहीं हुई है इसमें लगातार रिसर्च जो है चलती जा रही है तो यहाँ पे देखो इन्होंने कहा कि जो बनाया गया है स्ट्रक्चर उसमें पोजोलैनिक मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है जिसमें जैसे मान लो वॉलकैनिक एश जो वॉल्केनो है वॉलैनो वल्केन, जब निकलता है तो उसका जो राख बसता ऐश बनता है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है एंड बे ऑफ बंगाल एक एरिया है पोजो पोजोली बे ऑफ नेपल्स से वहाँ से ये चीज़ ली गई है उसके बाद इन्होंने और भी कुछ जैसे वाइट मिनरल फीचर लाइम क्लास्ट का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है तो आप ये मानो कि रोमन कॉन्क्रीट के अंदर बे ऑफ नेपल्स से लिया गया है वॉलकैनिक एश और साथ में लाइम क्लास्ट का इस्तेमाल किया गया तो ये जो लिया गया है दे आर रेस्पांसिबल फॉर वी कैन से आप कह सकते हो कि दे आर बी लाइक दीज आर बींग यूज इस वजह से जो रोमन कॉन्क्रीट है जो वन ट्वेंटी एट ए डी में बना था आज भी बिना उसी तरीके से खड़ा है कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ऑफ दट काइंड मटेरियल देट आर बींग यूज ठीक है जैसे हम लोग अगर पत्थर बनाएंगे तो मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे ऐसा सारी चीज़ें तो वो वॉल्कैनिक एश का इस्तेमाल कर रहे हैं लाइम क्लास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि आज भी जो उनका कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है वो आपका विजिबल है तो यहाँ पे आप ये याद रखो कि अब आप आपको याद रखना है कि जैसे ये आपका इटली है आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे ये है गल्फ ऑफ नेपल्स गल्फ ऑफ नेपल्स है तो यहाँ पे जैसे आपका इटली है, तो आप है और इटली में इस जगह पे आपका गल्फ ऑफ नेपल्स भी देखोगे तो ये इटली के अंदर ही ये इधर साइड पे आपका लोकेटेड है तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी के लोकेशन जो है वो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए जैसे ये आपका गल्फ ऑफ नेपल्स है इधर देखोगे गल्फ ऑफ uh, cell, uh, -no करके के दैट इज लोकेटेड गल्फ ऑफ सेलर भी आपका लोकेटेड है नेक्स्ट देखते हैं। वो किसकी वजह से कॉज होते हैं ए बैक्टीरिया बी वायरस ठीक है Bacteria, Virus, किसकी वजह से कॉज होते हैं ठीक है थीके? अच्छा एक चीज और भी है जो बूस्टर सीरीज है वो आपकी मंडे टू फ्राइडे रहेगी ठीक है थीके? तो सुबह सात बजे रहेगा तो मंडे मतलब कल आपका सेशन आपको मिल जाएगा तो आप लोग उसको रिवाइज करते रहना अच्छे से कंप्लीट इंग्लिश के अंदर है तो उसको आप लोग फॉलो करो नोट्स अपने बनाओ ये है इसके अलावा योजना भी मैंने आप लोग के लिए कवर करना स्टार्ट कर दिया योजना का एक आर्टिकल बहुत अच्छा जो है मतलब जिसपे प्रश्न प्रिलिम्स का भी बन जाएगा बृहदेश्वरा टेम्पल का पूरा डिटेल आया आप कवर देखना इस पर प्रश्न आ सकता है इसमें ठीक है इसके फीचर्स के ऊपर और कुछ भी ऐसा प्रश्न फ्रेम हो सकता है आपके लिए देश्वरा टेम्पल के ऊपर ठीक है थीके? तो बहुत ये मैंने कवर कर दिया है आप लोग के लिए फाइव सिक्स मिनट का टॉपिक है तो उसको देख लेना एक और भी एक और दो और आट, आ, फैक्ट्स हैं जो हमको जानना चाहिए तो वो भी मैं आप लोग के लिए कवर कर दूंगा तो आप लोग वीडियो सेक्शन के अंदर उसको फॉलो कर लेना वीडियो सेक्शन जैसे इसी चैनल पर वीडियो लाइव दो चीजें होती है लाइव में क्लिक करोगे तो हिंदू मिल जाएगा आपको बाकी जो देखोगे तो वहाँ वीडियो सेक्शन जो होता है वहाँ पे जो वीडियोज होते हैं वो है जैसे जोग्राफी विथ एक्सपेरिमेंट है वो वीडियो आप देखोगे तो उसमें जोशी मठ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आ, तो एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे भी ज्योग्राफी को बहुत आसानी से आप जो है सीख सकते हैं चलो तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो इंडिया ने टारगेट सेट किया कि मिजल्स सुरबेला को ट्वेंटी तक खत्म करना है पहले टारगेट ट्वेंटी था और पेंडेमिक की वजह से जो डिसरप्शन डिस्रु, हुआ उसको बताया गया इस वजह से इस टारगेट को 2023 के लिए एक्सटेंड आपका किया गया है पहले 2015 था सो ये मतलब अलग अलग जो टारगेट्स हैं ये आपका कंटिन्यूस बेसिस में शिफ्ट हो रहे हैं अब टारगेट देखो क्रुशियल भी क्यों है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तो वायरल डिजीज है कंटेजियस है एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है लगभग इतने एक लाख के आसपास चिल्ड्रन हर साल ग्लोबली आप कह सकते हैं इनकी वजह से डेथ होती है रूबेला की बात किया जाए तो बर्थ डिफेक्ट्स और इन सब की वजह से रूबेला इज लीडिंग वैक्सीन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स तो ये बीमारियां जो है काफी बर्थ डिफेक्ट्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है मिजल्स रूबेला को प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीन के माध्यम सेफ़ और इफेक्टिव वैक्सीन अगर प्रोवाइड किया जाए तो इजिली इन बीमारी से बचा जा सकता है इजिली जो है इन बीमारियों से बचा सकता है मिशन इंद्रधनुष आपका लॉन्च 2014 के अंदर किया गया था जिसमें इन दोनों को इंक्लूड किया गया था सभी को जो यूनिवर्सल यूम्यूनाइजेशन के तहत आपका दिया भी गया था सो रुबेला कंटेनिंग वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया गया रूटीन इम्यशन में इनको इंक्लूड किया गया और धीरे धीरे अवेयरनेस जनरेट की गई और आज के समय में अगर जो वैक्सीन दी जाती है तो इंद्रधनुष मिशन के तहत तो उस जो आपकी अलग अलग उसमें बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीन दी जाती है उसमें ये दोनों भी आपके इंपॉर्टेंट अब ये कहा गया कि अगर अगर इसको रोकना है पूरे तरीके से तो दो पार्ट बोले गए एक तरफ सर्विलियंस है दूसरा वैक्सीनेशन सर्विलियंस का मतलब नजर रखना कि अच्छा कि ये बीमारी है कहाँ कैसे फैल रही है उस हिसाब से फिर आप ट्रीटमेंट करोगे तो सर्विलेंस बहुत मैटर करता है इट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो कि सर्विलेंस के बेसिस पे ही तो सर्विलेंस के लिए आपको लेबोरेटरी होनी चाहिए अलग अलग जगहों में गांव देहात इलाकों में आसपास पास लेबॉरिट्री होकर अगर सैंपल उसका टेस्ट किया कि अच्छा उससे पता चल जाएगा अच्छा ये बीमारी फैल रही है यहाँ पे तो सर्विलेंस बहुत ज्यादा जरूरी आपका जो है बन जाता था एक तो वैक्सीनेशन दूसरा जो है सर्विलेंस है क्योंकि सर्विलेंस के बेसिस पे ही वायरस के बारे में जानकारी होगी जगहें जहाँ पे आपकी ये स्प्रेड हो रही है उसके बारे में भी हमें जो है जानकारी होगी जो मिजल्स है वो आपका इम्यून सिस्टम है उसको भी अफेक्ट कर सकता है जैसे बच्चा है अगर मिजल्स अफेक्टेड है तो इम्यूनिटी उसकी वीक हो जाएगी और उससे फिर वो दूसरे डिजीज के प्रति भी प्रोन हो जाएगा क्योंकि इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है उसकी वजह से सो पैंडमिक की वजह से पीपल जो है आ, आ, वर्क फ्रॉम होम उन्होंने शुरू कर दिया चिल्ड्रेंस कनेक्टेड टू स्कूल थ्रू लैपटॉप्स लैपटॉप टेबलेट्स तो ये तो ठीक है तो ये तो ये तो देखो अलग कुछ और ये स्लाइड आ गई बीच में तो यहां पे आपको बस इतना याद रखना है तो आ, ठीक है तो ये सारी चीजें हैं तो आज के लिए इतना ही आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अन अकेडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं अभी देखो ये कोर्सेस एनसीआर टी का कोर्स है इसके अलावा प्रिलिम्स का भी कोर्स है तो ये सारे कोर्सेस आपके लिए हैं तो कोड जो यूज करना है दैट इज एस पी एल आई वी तो अन अकेडमी डॉट कॉम में जाओ यू पी एस सी सी एस सी सेलेक्ट करो कोड डाल दो एस पी एल आई वी और ज्वाइन कर सकते हो तो बहुत ही ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सेशन को लाइक करें शेयर करें और जो है आ, अपने नोट्स जरूर से प्रिपेयर करें ठीक है और रिविज़न करते जाएँ कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपकी साढ़े आठ पौने नौ तक स्टार्ट हो जाएगी सो थैंक यू एवरी वन थैंक यू सभी लोग लाइक बटन भी प्रे...